फाल्गुन समारोह समिति अजमेर की ओर से बुधवार 23 मार्च को जवाहर रंगमंच पर फाल्गुन महोत्सव 2016 का आयोजन किया गया। फाल्गुन महोत्सव में शहर के चर्चित और प्रसिद्ध व्यक्तियों को होली के टाइटल्स दिए गए। साथ ही इस अनोखे फाल्गुन महोत्सव में महामूर्खाधिपति का खिताब एडीए चेयरमैन शिव शंकर हेड़ा को, महामूर्खाधिराज संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत, वहीं मूर्खाधिपति भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा, शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनिता बधेल, महापौर धर्मेन्द्र गहलोत, दैनिक नवज्योति के प्रधान संपादक दीनबंधु चौधरी और मंडल रेल प्रबंधक नरेश सालेचा को बनाया गया। अजमेर शहर के बहुचर्चित प्रकरणों पर दो शानदार हास्य झलकियां प्रस्तुत की गई। वहीं राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और पत्रकारिता आदि क्षेत्रों के प्रमुख लोगों को उपाधियों से नवाजा गया। कार्यक्रम में आए सभी नागरिकों का स्वागत चंदन का तिलक लगाकर किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सभी आगंतुकों को इनामी कूपन प्रदान किए गए, जिनमें 10 निश्चित उपहार कार्यक्रम के समापन पर ड्रॉ निकालकर प्रदान किए गए। पहला इनाम एटलस रेंजर साइकिल थी। महोत्सव में अजमेर नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण और अजमेर डेयरी का विशेष सहयोग रहा। बढ़ गए, अभी से मेरे अंदर मेट्रो ट्रेन दौड़ रही है। मेरे को जल्दी से स्मार्ट बना दे बापू, मेरे से रहा नहीं जा रहा, मेरे को जल्दी स्मार्ट बना दे। बिल्कुल स्मार्ट हो, मामा जी से मेरी बात हो गई है, तेरे पे स्मार्ट बना देंगे। फिर तेरी कैटरीना से शादी होगी, कैटरीना तेरे आगे पीछे दौड़ेगी, आगे पीछे। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। कैटरीना मेरे ऐसे पीछे पीछे भागेगी, ऐसे ऐसे। पर बापू एक लफड़ा है, पर बापू एक लफड़ा है। क्या आप पीछे पीछे भाग रहे हो, आगे तो भाग नहीं रही हो। कैटरीना आगे भी दौड़ेगी, देख ऐसे 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 ऐसे। हाँ ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे 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 ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल बापू, इसमें भी लफड़ा है। क्या लफड़ा है? आप आगे तो भाग रहे हो, पीछे नहीं है। अबे कैट, शादी हो जाएगी ना। हाँ। उसके बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब दूर भागेगी। भागेगी? हाँ। तो मेरे को स्मार्ट बना दो। पर एक लफड़ा है। लफड़ा क्या है? लफड़ा ये है कि तेरे को 50% इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 50% पैसा तेरे को देना पड़ेगा। 50% मेरे को देना पड़ेगा? हाँ। अरे मैं अजमेरी हूँ, अजमेरी, कोई मैं दुबई नहीं हूँ। अरे भाई मैं तो वैसे ही कंगाल हूँ, न तो यहाँ कोई इंडस्ट्री है, ना तो कोई ये कोई बड़ा रोजगार है, तो मैं कहाँ से लाऊंगा 50%? अरे भाई अगर दरगाह और पुष्कर नहीं हो तो मेरे को तो कोई पूछे ही नहीं, दरगाह की देख पे तो मैं जिंदा हूँ। पर कुछ भी कर, तेरे को 50% का इंतजाम करना पड़ेगा। वो अपने तेल पानी जी है ना, उनसे कुछ बात करनी पड़ेगी। कौन से तेल पानी जी? अरे तेल पानी जी, वो अपने आसुदेव तेल पानी जी। आसुदेव तेल पानी जी को तो खुद के तेल पानी को पता नहीं है, वो क्या तेल पानी की व्यवस्था करेंगे? वो तेल पानी जी, नमस्ते नमस्ते। अरे भाई अजी बेड़ा। हाँ, तेल पानी जी। अरे मैंने चुना है तेरा चिलकिल हो गया। हाँ जी, स्मार्ट में। हाँ, है? हाँ। और मेरी इस मुद्दे पे बात भी हुई थी ओ मामा जी। आपका मुंह यूं क्यों रखा है? अरे मैंने सुपारी खा रखी है। सुपारी खा रखी है? तू खाएगा क्या? हाँ। ले खा। अरे तेल पानी जी क्यों लंबी लंबी छोड़ रहे हो यार, कैसा स्वाद आ रहा है? उदयपुर के पानी का स्वाद आ रहा है। अरे अरे तेल पानी जी लंबी लंबी मत छोड़ो। अरे मैं तो सोच रहा था आना सागर का स्वाद आएगा। आना सागर में तो नाला छोड़ रखा आप लोगों ने। तेल पानी जी देखो लंबी लंबी मत छोड़ो, सारे चुनाव हो गए है ना, अब आप आइए ना, ये 50% का इंतजाम करवा दो बस आप तो। 50% का? हाँ। अरे तो मैं कहाँ बीच में खड़ा हूँ, वो तुम्हारी नकेल मैडम है ना, उसने मेरे नाक में नकेल डाल रखी है। क्या क्या तेल पानी जी, शिक्षकों के कान खींचते खींचते नाक और कान का फर्क भूल गए आप? अरे भाई तू भी यार पकड़ के बैठ जाता है यार। क्या? अरे छोटी छोटी बातें यार। अच्छा मेरी बात सुन। हाँ। उन्होंने नाक में नकेल डाल रखी है, इसीलिए मैं किसी का काम कर नहीं सकता। मैं तो चाहता हूँ कि तेरा सिलेक्शन हो जाए, मगर वो होने नहीं देगी। अच्छा वो नकेल बनवा दी इसने। शांति 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 शांति। हो गया क्यों भाई साहब, एक बात बताओ। पुरस्कार देने की घोषणा की है मित्तल साहब, समिति की ओर से भी, फागुन समारोह समिति की ओर से भी इस पूरी टीम को 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ वासुदेव जी देवनानी साहब पधार गए हैं और वो भैया देवनानी जी का जो कुर्ता है वापस लौटा दे।
और अनीता जी की जो साड़ी थी वो भी वापस प्रेस करके वापस लौटा दी जाए। हमारे बीच शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विजय जैन साहब भी पधार चुके हैं, जनसंपर्क विभाग के पीआरओ महेश शर्मा जी भी यहाँ आ गए हैं, और सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पारिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नगर निगम के पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह जी शेखावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब वो कार्यक्रम शुरू करते हैं जिसका आप सब लोगों को हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है, अवार्ड तीन दरवाजे। तीन दरवाजे अवार्ड के नॉमिनीज हैं धनराज चौधरी। धनराज चौधरी कृपया मंच पर पधारे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तान, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तान, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। मेरा जूता है जापानी। दूसरे नॉमिनी है तीन दरवाजे अवार्ड के सोमराज आर्य। छलिया मेरा पूर्व उप महापौर। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छल्ला मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम। तीसरा नॉमिनी है प्यारे मोहन त्रिपाठी, जनसंपर्क निदेशालय के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर। ये प्यारे मोहन त्रिपाठी, यूं ही साथ साथ चल के, यूं ही मिलना भी था जन्म, तेरी राह देश चल के, ये कहां आ गए हम। हमारे शहर में खामोखा के तीन दरवाजे हैं और ये तीन दरवाजे अवार्ड के चौथे नॉमिनी हैं डॉक्टर राजकुमार जयपाल। पूछा मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान सजनवा। नगर परिषद के पूर्व सभापति हो गए हम, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, भाग ना बांटे कोई, करमवा बेरी हो गए हम, सजनवा बेरी हो गए हम। तीसरे नॉमिनी है ललित भाटी। जिस गली में राज्य सरकार के तेरा घर हो मालवा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं, जो नगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस नगर पे हमें पाँव धरना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो मालवा। इधर के न उधर के अवार्ड के चौथे नॉमिनी हैं कुलदीप कपूर। इस रंग बदलती दुनिया में ईमान की नीयत, कांग्रेस के महामंत्री, निकला न करो तुम सज धज के, इंसान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में। पांचवे नॉमिनी है
हरी सिंह गुर्जर। बुलेटिन के आखिर में दर्शक देख सकेंगे जवाहर रंगमंच पर आयोजित फाल्गुन महोत्सव 2016 का रिकॉर्डेड प्रसारण। आज सबसे पहले तो मैं सभी को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जो हमारे आप सब लोगों ने, मीडिया के पत्रकार लोगों ने आज इतना शानदार कार्यक्रम किया, इनके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे शहर के सभी गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के, सब एक मंच पे आके और हमारे समाज अजमेर शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण आए और आप सभी ने मिलके ऐसा, क्योंकि प्रतिवर्ष कार्यक्रम करते हो लेकिन इस बार आपका एक विशेष ही रहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी अजमेर वासियों को, सभी राजस्थान के सभी वासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। होली आपके लिए खुशियां लेकर के आए। होली एक ऐसा त्यौहार है जो भाईचारे का त्यौहार है और जो जिस प्रकार से हमारे अजमेर में जो जवाहर रंगमंच में आज जो होली का त्यौहार मनाया गया है, बहुत ही सराहनीय मनाया गया। जिन लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी करके इतने सुंदर तरीके से इसको जो प्रसारित किया और व्यवस्थित तरीके से कार्य किया, उनके लिए मैं उनको सभी को, कार्यकर्ता जिनको, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। होली के इस पावन पर्व पर यहाँ जो हमारे समस्त शहर के प्रबुद्ध नागरिकगणों द्वारा जो होली के उपलक्ष में कार्यक्रम रखा गया, निश्चित रूप से ये संदेश देता है कि हम सब अजमेर शहर के लोग एक साथ हैं और जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारे सामने हैं। हम शहर को कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे सुंदर बना सकते हैं। साथ ही होली पर नई फुहारें उन्होंने जो दी हैं वो एक खुशबू पैदा करने वाली है, वो एक उल्लास पैदा करने वाली है। इस होली के पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। होली के पावन पर्व पर मैं अजमेर वासियों को, प्रदेश वासियों को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और यह त्यौहार सबके जीवन में खुशियाँ लाए, रंग भर दे और साथ में सामाजिक समरसता को अपने जीवन में लाते हुए हम होली का रूपी विकृतियों का दहन करें, घमंड रूपी विकृतियों का दहन करें और सात्विक शक्ति का, हम प्रहलाद रूपी सात्विक शक्ति को आगे बढ़ाएं। होली के इस पावन पर्व पर मैं आपके चैनल के और शहरवासियों को बहुत बहुत हृदय के अंतिम तल से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ये त्यौहार ही होली माने होली जो हो गया उसको भूल जाना चाहिए और निश्चित रूप से आने वाले समय में रंगों के, जिस प्रकार से प्रत्येक रंग होता है उसको, रंगों को अपने जीवन में भरें, नीरसता को हटाएं और रंगों से भरते हुए आने वाले वर्ष को उत्साह और उल्लास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, ऐसी ही मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। होली महोत्सव पर जवाहर रंगमंच पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, वास्तव में इसकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। इन्होंने अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए और जो कार्यक्रम की जो प्रस्तुति दी है वो वास्तव में सराहनीय है। होली के इस शुभ अवसर पर मैं पूरे शहरवासियों को अपनी ओर से तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये बहुत खुशी की बात है कि अजमेर शहर के पत्रकारों, रंगकर्मियों और साहित्यकर्मियों के संयुक्त प्रयास से ये फागुन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। होली के अवसर पर जो प्रतिवर्ष की भांति कार्यक्रम होली महोत्सव का होता है, आज जवाहर रंगमंच पर उसको आयोजित किया गया। इसमें तमाम राजनीतिक दलों प्रतिनिधि और अधिकारी और आम व्यक्तियों ने भाग लिया। बहुत अच्छा लगा। पहली बात है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा था, स्तरीय प्रोग्राम है, कार्यक्रम बहुत स्तरीय है। इस कार्यक्रम जितनी भी झलकियाँ, जितनी झांकियाँ, जितने भी व्यंग्य कटाक्ष जो किए गए वो इतने पॉजिटिव थे कि शहर के डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए और क्या हुआ है और क्या क्या पिछला जो एक साल रहा उसमें क्या क्या घटनाएं रही हैं, उनको बड़े खूबसूरत ढंग से यहाँ प्रेजेंट किया गया, बहुत अच्छा मजा आया। बुधवार को गंज में मरुधर सांस्कृतिक संस्था द्वारा होली महोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मरुधर सांस्कृतिक संस्था के समस्त कलाकारों ने एक से बढ़कर एक हाथ से झलकियां और नाटकों की प्रस्तुति के साथ पैरोडी, कव्वाली और गीतों की प्रस्तुति देकर उपस्थित दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। मारे 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 मारे
जगह जगह खड्डा हो रहा है, पांडी नदी बन रही है, जान हो रही है ना रा। अरे राधे ओबामा कद आई कदी स्मार्ट बनाई रे, कहीं लाइन लाग रही है, कहीं लाइन लाग रही है, बहुत पब्लिक बैठी है जो देखो। बटन इसमें कह दिया ओबामा का भाई मैं सीवरेज लाइन भी मैं डालू और वो भी मैं डालू तो शहर ने पूरा ना खुदवा दियो, तो बटी नुहारियो, बटी नुहारियो तो साइकिल वालों दियो बछीड़। अरे हमारा सीधा पग में मोच आ गई भाई साहब। हाँ गरारी बोलियो। हाँ दूध की थैली लिया वो डेयरी से। हाँ डेयरी पे दूध ले बो। हाँ गलती से लाल बरमूडो पहन लियो। ओहो अरे सांड पाछे फट गयो, भाई उछाड़ गए मारियो सीधा ब्रह्मपुरी नाला में। ओहो ऐसे बेशर्म अफसर है अजमेर के, ऐसे धीरे धीरे प्रशासन लगा डोलने, धीरे धीरे प्रशासन लगा डोलने, कार्यक्रम में गोपाल बंजारा, शमीम मंजर, धर्मराज यादव, महेश वैष्णव, कृष्ण गोपाल पाराशर सहित कई कलाकारों ने भाग लेकर सभी को होली की शुभकामनाएं दी। आज अजमेर शहर के समस्त कलाकारों द्वारा फागुन महोत्सव 2016 का आयोजन किया गया, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम तैयार किया गया जिसमें हास्य झलकियां अवार्ड दिए गए और उसके साथ साथ फाग गीत और नृत्यों का आनंद लिया गया। मरुधर सांस्कृतिक संस्था द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, शहर के समस्त कलाकारों ने इसमें भाग लेकर उत्साह बढ़ाया और जिस तरह जनता ने सराहाया उसके लिए हम जनता के आभारी हैं, इसी तरह का प्यार हमें मिलता रहे। पुष्कर के वराघाट चौक पर आयोजित किए जा रहे होली महोत्सव में मंगलवार रात जापान, इटली और इजराइल से आए विदेशी सैलानियों ने आग के शोलों के साथ हैरतअंगेज करतब दिखाकर उपस्थित दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। पालिका अध्यक्ष कमल पाठक ने सभी कलाकारों का माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद वायलिन और नगाड़े की धुन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर पूरा वराघाट चौक पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों की मौजूदगी से खचाखच भर गया। सभी ने लाबेला होली महोत्सव का आनंद मनाते हुए कलाकारों की तालियां बजाकर हौसला अफजाई की।
Holi festival where all the people get union, foreigner and local, and I'm very happy to dance today with Raki, Calvelia and Shanti Zapera. They are great dancers and I'm very happy to have the pleasure to dance with them in this great event where all the artists show their best part of themselves and all can enjoy foreigners and local in the main heart of the market, which is great.